डाल दिया हमने हसल ज़रूरत। अब क्या करूँगी मैं, हाफ के जी हमारे पास भिंडी है, इसको हाफ के जी भिंडी, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह, थोड़ा फ्राई करेंगे। जब फ्राई कलर चेंज होने लगे, जब बता दूँगी आपको, दिखा भी दूँगी। देखिए इसका कलर हम चेंज नहीं होने देंगे, इसके कलर को इसी तरह रहने देंगे, ग्रीन ग्रीन सा होगा। ज़्यादा जल पकाऊँगी तो कलर चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने भिंडी निकाल लिया, इसी ऑयल के अंदर निकालने के बाद आलू ऐड करूँगी हाफ के जी, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है, इसको भी फ्राई कर। देखिए इसको हाफ कुक कर लिया हमने, और इसको भी निकाल लूँगी। देखिए प्याज मैं तीन अदद लिया था जो मीडियम साइज़ की, इसको कट कर लिया, इसको भी डालकर थोड़ा फ्राई करूँगा और सॉफ्ट करूँगी इसको ब्राउन नहीं करना। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन का प्याज इसमें ऐड करूँगी, एक से दो खाने के चम्मच भर के, क्योंकि आपको बड़ा फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, अदरक लहसुन का फ्लेवर, इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ। आपको पसंद है आप ज़्यादा डालें, थोड़ा कम कर लें। इसको भी डाल के अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, कच्चापन जो अदरक लहसुन का, उसको भी ख़त्म कर दूँगी। बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज हो जाए हल्का सा, और हमारे जो अदरक लहसुन का पेस्ट दिया था कच्चापन उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब दो आदि मैं टमाटर ऐड करूँगी बड़े साइज़ की, इसको डालूँगी और मसाले भी ऐड करूँगी कुछ, बस हाफ एंड हाफ टू टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी हल्दी, और इसी में हर्ब जाएगा आपको जितना पसंद हो। इसके अंदर मैं कुटी मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वन टी स्पून बस, और इसके अंदर थोड़ा पानी डालूँगी एक कप के करीब, ताकि हमारे टमाटर गल जाए, हाफ कप इसको कुक करूँगी। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको मैश कर लेंगे। ये हमारे जो है इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था, मैश करने के बाद अब इसमें देखिए थोड़ा हल्का सा पानी है, ज़्यादा नहीं, तो इसमें आलू जो मैंने फ्राई किया था, देखिए जो मैंने टमाटर डाला था उसमें पानी हल्का सा रह गया, उसको मैश अच्छी तरह कर लिया। अब मैं आलू ऐड कर रही हूँ इसमें, इसको भी डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और बाकी मुझे मसाले भी ऐड करती हूँ। इसमें मैंने पीसी धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टी स्पून, ये दोनों को भुनने के बाद इसको पीस लिया, उसको भी ऐड कर दूँगी। देखिए आलू हमारे हाफ कुक हो चुकी है, बल्कि इससे ज़्यादा भी, यानी आप कह रहे हैं कि 3% गल चुकी है, 1% रह चुका है। अब मैं इसमें जो भिंडी फ्राई किया हुआ था 1 के हाफ केजी, उसको भी डाल दूँगी, क्योंकि भिंडी जो है जल्दी गलती है और आलू ज़्यादा देर से गलती है, तो मैंने आलू ज़्यादा गलाया है। ठीक है, अब इसको मिक्स करूँगी और ऐड करूँगी इसमें काली मिर्च है 1 टी स्पून, ये ऐड कर लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, कुक करूँगी थोड़ा, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। हमारी जो भिंडी और ये जो कसर है इसके अंदर, भिंडी के अंदर भी है, थोड़े से पानी ऐड करूँगा 1 कप के करीब, ताकि ये कुक हो जाए अच्छी तरीके से बस, और इसको नमक ऐड करके पकने के लिए छोड़ कर देती हूँ। देखिए 1 खाने की चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी मैं, बस नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ाई मसाले में नमक है ऑलरेडी, इसमें थोड़ा सा और ऊपर से मैं ये ऐड कर दूँगी। अब आप देखिएगा, चेक करके फिर डालिएगा। और ये जो है हमारे पास 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्ची, वो डालूँगी, वो डालने का मिक्स करके दम पे रखूँगी। हमारी कुक हो चुकी है अच्छी तरीके से, अब इसको सर्व करने लगे हैं। ठीक है, देखिए